नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि अपने विशेष को लिखना क्यों जरूरी है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों बोला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ही सुना होगा कि अपने विशेष को लिखो लिखो, क्यों बोलते हैं। मैंने भी बहुत सारे आपको वीडियोज में आप लोगों के साथ में बात शेयर किया, स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट और ये किस तरीके से काम करती है, एक्चुअली इस चीज़ को लेकर ना बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों सोच नहीं सकते, लिखना ही क्यों ज़रूरी है, लिखना क्यों ज़रूरी है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और सोचने से क्या होता है, जब हम कोई बात सोच रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ वो एक बात सोच रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अभी आपके सामने ये सोचूं, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ कि मुझे एक बुक चाहिए। अब हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेकर के आते हैं, इसे मैं प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू करती हूँ, सोचना शुरू करती हूँ, मुझे ये बुक चाहिए, ये बुक मेरी है, ये बुक मेरी है, ठीक है। अब मैंने इसको सोचना कंटिन्यू शुरू किया। अब सोचने के साथ साथ और क्या क्या चल रहा है, मुझे आधी से ज़्यादा थॉट्स पता भी नहीं होंगे कि मेरे दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं, सिर्फ सोचने के लेवल पर आपको इसको करना है, लिखने पर आप जाना ही नहीं चाहते, तो मैं कहूँगी सिर्फ मेडिटेशन करके सोचिए। किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, या कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, या फाइनेंशियल कुछ चीज़ों को आपको ठीक करना है, या व्हाटएवर आपको कुछ कोई एग्जाम क्रैक करना है, सोचना है तो फिर मेडिटेशन करके सोचिए। उस टाइम पर जो थॉट्स का फ्लो होता है, जो आपके विचार होते हैं, वो कम चल रहे होते हैं। सोचने पर ये बात आपकी क्लियर हो गई, क्योंकि हमें पता नहीं होता। अब मैं सोचे जा रही हूँ ये बुक मुझे चाहिए, ये बुक मुझे चाहिए, उसके साथ में पता क्या क्या चल रहा है, यहाँ पर आज पीछे एक बॉल रखी हुई है। सीरियसली मैंने अभी अभी ध्यान दिया, यहाँ पर पीछे एक ऑरेंज कलर की बॉल रखी हुई है। तो इस तरह से हमें नहीं पता होता कितने सारे थॉट्स आते हैं और जाते हैं, और हमें लगता है कि हम उस एक थॉट पे काम करें। तो इस तरीके से अगर आप मतलब सारा टाइम ये करने की कोशिश करेंगे तो फेल ही हो जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स हैं, और जिस विश की एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को आपको सेट करना है वो सेट हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग के अंदर। तो दिमाग करेगा क्या, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत वो होंगी जिसके ऊपर ऊपर आप कॉन्शियसली फोकस नहीं कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे सबकॉन्शियस लेवल पर, जो फिट होंगी ऑलरेडी, उनकी फ्रीक्वेंसी जल्दी सेट कर जाएगी। इस तरीके से आपके थॉट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लिखने वाली बात, एक्चुअली जो वीडियो है लिखने वाली बात पर। यह जब आप लिखते हैं तो होता क्या है आपके साथ, फिजिकल एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, कॉन्शियस लेवल। अगर कॉन्शियसली आप नहीं करेंगे तो आप वो सेंटेंस ही नहीं लिख पाएंगे। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो वो मात्राएं नहीं लगा पाएंगे। आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, क्या सेंटेंस लिख रहे हैं वो सब कुछ आपको पता होगा, तभी तो ये कैसे हो रहा है, कॉन्शियसली एंड फिजिकल एनर्जी के लेवल पर हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ, सब कॉन्शियस लेवल पर आपको पता भी नहीं है कि लिखने के टाइम पर ये काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये बुक मेरी है, मैंने इसे लिखा, ये किताब मेरी है, मैंने इसे लिखा, तो मुझे सीखना नहीं पड़ रहा है किताब लिखते हुए, मुझे सीखना नहीं पड़ रहा है बुक लिखते हुए, उस पर क्या मात्रा लगेगी, क्या सेंटेंस लिखूंगी, सीखना नहीं पड़ रहा है। सब कॉन्शियसली इन शब्दों के बारे में मेरे माइंड को, मेरे जो एनर्जी के साथ में मैं लिख रही हूँ, मेरे कॉन्शियस माइंड को और मेरे सब कॉन्शियस माइंड को पता है कहाँ क्या सही सेंटेंस है, क्या सही स्पेलिंग है, कहाँ क्या मात्रा लगने वाली है, ठीक है। समझ आया आपको, सब कॉन्शियस इतना पावरफुल चीज आपके लिखने पर काम कर रही थी। अब हम बोलते हैं कि आप उसको फीलिंग्स के साथ में लिखें। जब आप उसे लिख रहे हैं तो जब आप उसको फीलिंग के साथ में लिखना शुरू करते हैं कि ये किताब मेरी है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप अपनी विश को जो लिखते हैं, ये किताब मेरी है। फीलिंग्स के साथ हम लिखने के लिए क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि जो दो फीलिंग्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। लाइट आप जलाते हैं तो अंधेरा नहीं रह सकता, बस ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स और आपकी फीलिंग्स काम करती हैं। आपकी जो फीलिंग्स होती हैं लिखते समय पर, जब आप लिखते समय पर एक फीलिंग को यूज कर रहे होते हैं तो कितनी तरह से एक ही चीज पर काम कर रहे होते हैं, फिजिकल एनर्जी, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस लेवल दो तरीके से इस जगह पर हिट कर रहा है, एक तो आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं, और दूसरी चीज आपको ये पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। अगर ये फीलिंग उतनी रियल हुई तो सबकॉन्शियस माइंड को असली और नकली, सच और झूठ का मतलब नहीं पता, उसको आपकी फीलिंग से लेना देना है। फील करते ही आप अपनी विश को लिखते हैं, कितने सारे लेवल्स पर काम कर रहे हैं, इस लेवल को कोई काट पाएगा,
जितनी हम टेक्निक्स बताते हैं, 5x5x5 हो या 3x3x3 हो, हाँ मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल्स की भी बात करती हूँ, विशेस को लिखने की भी बात करती हूँ, तो जब मैं ये बात करती हूँ तो वहाँ पर ये बात आती है कि आपको इनको फीलिंग्स के साथ में लिखना है। सारी एनर्जीज को यूज़ करते हैं आप, अंदर बाहर सब एनर्जीज को यूज़ करते हैं, इसलिए लिखना इतना इम्पॉर्टेंट होता है। फीलिंग्स के साथ में जैसे ही आपने लिखा, आपके सबकॉन्शियस तक गया, सबकॉन्शियस तक जाने का मतलब हो गया काम होना है। क्यों होना है? सबकॉन्शियस का काम होता है आपके काम करवा देना, समझे? तो इसलिए विशेस को लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यह एक्चुअली उन सब लोगों के लिए था जो लोग कंटिन्यू एक ही चीज सोचते हैं, इसे सोच लेना भी तो उतना ही कारगर होगा। नो, कैसे होगा बताइए, मेरे दिमाग में आ गया था ना ये बुक मेरी है, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि आप आंख से सिर्फ इतना देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप इतना देख रहे हैं, बट आप जब पेज पर देख रहे हैं तो आपको पेज के सिर्फ इर्द गिर्द की चीजें नजर आएंगी, लेकिन जब मैं आंख से ऐसे देख रही हूँ और कुछ भी सोचे जा रही हूँ तो मुझे पता होगा कि मेरे किचन में ये चल रहा है, मेरे बेडरूम में ये चल रहा है, मेरे वहां ये चल रहा है, मेरे बाहर ये चल रहा है, यहां से ये बस आई वो गया, सिर्फ जो सारी इंद्रियां एक्टिव है सोचते समय में। बट लिखते समय में हम सारे इंद्रियों को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं फीलिंग्स के साथ में, तो इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि मैंने इसको क्लियर किया है, सारी छोटी छोटी चीजों को भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि आपको पता चले कि लिखना कितना जरूरी है। तो इसलिए अब जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि लिखें, जो मैंने अभी अभी आपको प्रैक्टिस बताई अभी पीछे कि आप अपनी 10 चीजों को लिखें, उसको बार बार पढ़ें फीलिंग्स के साथ में, वो इसीलिए है क्योंकि आपने उसके ऊपर अपनी फिजिकल एनर्जी यूज कर दी है। आप अपनी ही हैंड राइटिंग को पढ़ रहे हैं, आप अपनी ही चीजों को उस टाइम जो आप फील कर रहे थे उस फीलिंग में जा करके उसको आप सोचते हैं। मैं जब अभी अपने पुराने कोई ग्रेटिट्यूड जर्नल्स उठाती हूँ या कोई पुरानी कोई चीज देखती हूँ तो पता नहीं उसी टाइम वाली फीलिंग आ जाती है मेरे दिमाग में। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली मेरा माइंड उस वक्त वहां पर उतनी ही चीज पर एक्टिव था, थॉट्स का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है लिखते समय। ठीक है, को समझ आया? आई होप कि आपको समझ आया। आई लव यू ऑल। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने विशेष को जरूर 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 लिखे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने के बाद आता है, क्या करें इन पेजेस का, हम नहीं चाहते हमारी विश कोई पढ़े। डिस्पोज कर दीजिए, आप उन्हें फेंक सकते हैं, फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं। मैं इतनी बार ये बात बता चुकी हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। उनका रखने का दिल है, आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है हमारी विशेष को रखने में, आप रखिए, मैं सब रखती हूँ। आपको लगता है कि फेंकनी है तो फेंक दीजिए, क्योंकि इसने जो इतना काम करना था उतना कर दिया, वो आपको रखने से और ना रखने से उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आई लव यू ऑल।